आज मैंने बनाई थी बहुत ही नए तरीके से हेल्दी बनाया। बिल्कुल, मैंने काले चने की चाट बनाना बहुत ही इजी है, और मैंने इसमें ऑयल बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है, और इसमें मैंने मसाले बिल्कुल नहीं डाले हैं। मैंने नेचुरली इसको बनाया है सब्जियां डाल के। कितनी हेल्दी हो गई ये चाट, तो आप ज़रूर ट्राई करें और खाएं, बहुत ही इसके बेनिफिट हैं। देखिए, वैसे तो बहुत ही ज़्यादा बनती है चाट, आलू भी डालते हैं इसमें और भी इसमें ऐड करते हैं, लेकिन इसमें मैंने आलू ऐड नहीं किया है। बिल्कुल मैंने हेल्दी तरीके से बनाया है। इसके लिए मैंने पहले इसको भिगो दिया था। इसमें मैं बेकिंग सोडा डाल रही हूँ, 1/2 टीस्पून। ये 1.5 कप चना था, काला चना। इसमें थोड़ा सा मैंने वाइट डाल दिया है, काबुली मिक्स कर दिया है। बहुत ही मज़े के बनते हैं ये, जैसे कि आप खाते हैं स्ट्रीट चना चाट या रेस्टोरेंट में, उससे भी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी तरीके से मैंने बनाया है। इसे हमें तकरीबन 6-7 घंटे के लिए भिगो देना है, या तो आप दिन में बनाना है तो आप रात में भिगो दें, और अगर आपको शाम में बनाना है तो आप इसे मॉर्निंग टाइम में इसको चने को भिगो दें, और पानी इतना फुल कर दें ताकि जो चना जो फूले ऊपर से एकदम अच्छी तरह से ये मुलायम हो जाए। देखिए, इसके लिए लिया था मैंने 2 लिए थे टमाटर, 1 गाजर ली है, ये स्प्रिंग ऑनियन ली है, और हरी मिर्च ली है। अगर आप चटपटा खाना पसंद करते हैं तो ऐड करें, वरना स्किप करें। और थोड़ा सा मैंने हरा धनिया लिया है, 1 प्याज ली है। इससे बनेगी हमारी बहुत ही यम्मी टेस्टी डिलीशियस, और मैंने 1 नींबू भी लिया था। अब देखिए, हम इसकी जो ना कटिंग कर लेंगे। ये जो हमारा अच्छी तरह से चना भी सॉफ्ट हो गया है, ये मैंने शिमला मिर्च ली है, स्प्रिंग ऑनियन है, हरा धनिया है, टमाटर है, 1 नींबू भी ऐड किया है मैंने इसमें। जब हम डालेंगे बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आता है, तो बहुत ही हमारी यम्मी टेस्टी बनेगी ये चना चाट। देखिए मैंने किस तरह से गाजर को बारीक बारीक पीस कर लिए हैं। ये मैंने थोड़ी सी हरी मिर्च ली है 1-2, और ये स्प्रिंग ऑनियन थी, और ये सिंपल 1 प्याज ली थी मैंने, और ये शिमला मिर्च, इसकी मैंने बारीक कटिंग कर ली है, 1 गाजर थी, और 1 टमाटर, 2 थे मैंने बारीक बारीक कटिंग कर ली, और हरा धनिया। इससे बहुत ही हमारी डिलीशियस मज़ेदार तैयार होगी ये चाट चने की, तो आप ज़रूर ट्राई करें और बच्चों को दें। और मैं तो कहती हूँ हर रोज़ खानी चाहिए, इसके बहुत ही बेनिफिट हैं चने खाने के। और देखिए, बिल्कुल भी इसमें मैंने ऑयल यूज़ नहीं किया है, बगैर ऑयल के मैं बनाऊंगी ना। मैंने इसको तड़का दिया, जैसे तड़का लगा के बहुत से लोग खाते हैं तो वो अनहेल्दी हो जाता है, तो ये बिल्कुल हेल्दी स्टाइल में ही मैंने बनाया है। इस तरह से आप छोटे छोटे पीसेस कर लें, ये जिस तरह से मैंने करे हैं। देखिए, गाजर भी डालिए, अगर आप चाहें इसमें और भी सब्जी ऐड कर सकते हैं। ये प्रेशर कुकर मैंने रख दिया है, चूल्हा जला दिया है। अब मैं जो चने थे ये अच्छी तरह से फूल चुका है, अब मैं इसको बॉईल करने के लिए रख दूंगी प्रेशर कुकर में। ये 6-7 विसल्स में ये रेडी हो जाता है। पहले तेज आग से 1 विसल दूंगी, फिर 6-7 स्लो बर्नर में ऑफ कर दूंगी। ये हमारा चना अच्छी तरह से बॉईल हो जाएगा। इसमें मैंने 1 कप पानी डाल दिया है, और बाकी पानी पहले से ही था इसमें चनों में अभी, और मैंने 1 टीस्पून डाल दिया इसमें मैंने सॉल्ट। अब ये अच्छी तरह से जो ना बॉईल हो जाएगा। मैं प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा दूंगी, तो मैं 15 मिनट के बाद में देखती हूँ क्या हाल है चनों का। देखिए, मैंने प्रेशर कुकर का ढक्कन खोल लिया, चना जो है हमारा अच्छी तरह से बॉईल हो चुका है, गल चुका है। अब इसको मैंने छान लिया है। अब हमें क्या करना है, हमें जो हमने छान लिया है, हमने इसे हमने डाल दिया है देखिए बाउल में। अब इसमें जो हमने सब ये काट के रखा था, ये प्याज, टमाटर,
ये हरा धनिया सब इसमें हम इसमें अच्छे तरह से मिक्स कर देंगे। देखिए सब मैं जो मैंने काट के रखा था मिक्स कर रही हूँ। आप चाहें तो इसमें और भी ऐड कर सकते हैं, जैसे खीरा है, चुकंदर है, वो भी ऐड कर सकते हैं। वो मेरे पास इस टाइम नहीं था तो मैंने ऐड नहीं कर पाई। बहुत ही मज़े का लगता है क्योंकि इसमें जो ना भरपूर विटामिन्स होते हैं सब्जियों में, तो ज़रूर खानी चाहिए इस तरह से बना के हेल्दी चाट काली चने की। अगर आप एवरीडे खाएंगे इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट आते हैं। जैसे हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होता है ये इसको कंट्रोल करता है, तो बहुत ही ये हमारी हेल्दी चाट बन के तैयार हो रही है। अब इसमें देखिए मैं एक नींबू का रस डाल रही हूँ। अब सब इसमें ये मैंने डाल दी है सब सब्जियाँ। अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। ऊपर से आप इसमें थोड़ा सा काला नमक डाल सकते हैं, इसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है काला नमक का। थोड़ा सा मैंने इसमें मिक्स किया है। तो ये देखिए हमारी कितनी मज़ेदार यम्मी टेस्टी ये डिलीशियस ये चाट चने की तैयार हो चुकी है। इसे आप कभी भी बना सकते हैं और खा सकते हैं। आप इसे इफ्तारी टाइम में भी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए हमारी कितनी मज़े की ये काले चने की चाट बन के तैयार हो गई है। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। और जो मेरे चैनल को नए देख रहे हैं वो भी मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और सपोर्ट करें और मेरे चैनल को आगे तक ले जाएं। आगे भी मैं आपको और अच्छी अच्छी हेल्दी रेसिपीज़ बताऊंगी। तो देखिए ये हमारी जो हमने जो बनाई थी काले चने की चाट कितनी मज़ेदार बनी है और खाने में तो बहुत ही डिलीशियस लग रही थी। इसे आप टमाटो केचप के साथ भी खा सकते हैं, ग्रीन चटनी के साथ में भी बहुत ही यम्मी टेस्टी लगती है ये चाट काले चने की। तो आप ज़रूर ट्राई करें। और जो इसकी रेसिपी है बहुत ही इजी है, तो एक बार तो आप ज़रूर बनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।